हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारी क्लासिकल वेव थ्योरी जो है क्या है और वो फेल क्यों हुई, ये सक्सेसफुल क्यों हुई। तो अब हम डिस्कस करेंगे बेटा कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या है। तो आइए हम देखें इसको किसने किया और जो है ये क्यों फेल रही, इसका हम डिस्कशन करेंगे। क्लासिकल वेव थ्योरी या वेव थ्योरी ऑफ लाइट को मैक्सवेल ने दिया था। इट वॉज गिवन बाई जेसी मैक्सवेल इन 1873 में जेसी मैक्सवेल ने इसे दिया था। अकॉर्डिंग टू इट लाइट इज अ ट्रांसवर्ज वेव, ट्रांसवर्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कहती है कि लाइट एक ट्रांसवर्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। लाइट एक ट्रांसवर्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि लाइट की स्पीड से वैक्यूम में ट्रेवल करती है। द एनर्जी ऑफ ए वेव डिपेंड्स ऑन इट्स इंटेंसिटी, किसी वेव की एनर्जी जो है उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, जो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी है या एनर्जी है उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है और इंटेंसिटी जो है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। एनर्जी ऑफ ए वेव इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ द वेव। वेव थ्योरी ये कहती है कि किसी वेव का जो वेव फ्रंट होता है उसकी टोटल एनर्जी उसके वेव फ्रंट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगला पॉइंट क्या है वेव थ्योरी का, एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस कंटीन्यूअसली फ्रॉम ए हॉट और कोल्ड बॉडी एंड ईच वैल्यू ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल। मींस वेव थ्योरी ये कहती है किसी भी हॉट या कोल्ड बॉडी से एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन जो है वो कंटीन्यूअसली होता है और एनर्जी की हर एक वैल्यू पॉसिबल है। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन फिनोमेना कैन बी सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अगर लाइट की हम वेव थ्योरी अप्लाई करें तो इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, इन फिनोमेना को हम बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपका वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई वेव थ्योरी वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लासिकल वेव थ्योरी जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकी, क्यों ये फेल हो गई, क्या इसमें ड्रॉबैक थे। आइए देखें, व्हेन वेव थ्योरी ऑफ लाइट व्हिच एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस पोलराइजेशन सैटिस्फैक्टरी इज अप्लाइड टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट सीम्स दैट इट विल आल्सो एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सक्सेसफुली एज वेव्स कैरी एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन मे कम आउट फ्रॉम मेटल्स बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द वेव। हाउएवर इट फेल्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। मींस वेव थ्योरी को जब हम अप्लाई करते हैं तो डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, ये सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन हो जाता है। लेकिन उसी वेव थ्योरी को जब हम अप्लाई करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए तो हम ये सोचते हैं कि ये भी एक्सप्लेन हो जाएगा, क्योंकि हर एक वेव के पास एनर्जी होती है और हमने सोचा कि किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके वो एमिट हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। लेकिन जब हमने वेव थ्योरी को अप्लाई किया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर तो ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया। इसका रीजन क्या है, आइए देखें। पहला रीजन ये है इंटेंसिटी प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आई जब हमने वो वेव थ्योरी को अप्लाई किया तो क्यों नहीं एक्सप्लेन हो पाई, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई वो इंटेंसिटी की वजह से आई। आइए इंटेंसिटी प्रॉब्लम क्या है, वेव थ्योरी ये कहती है कि किसी भी वेव की जो एनर्जी है वो उसके इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इंटेंसिटी ऑफ ए वेव आई प्रोपोर्शनल ई नॉट स्क्वायर, जहाँ ई नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। हमें पता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसकी जितनी लाइट की प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इंटेंसिटी ऑफ ए वेव आई नॉट प्रोपोर्शनल ई स्क्वायर एंड सो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, अगर जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गिरेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट होगी तो
इलेक्ट्रॉन को फोर्स कितना लगेगा, तो इक्वल टू क्यू ई, तो यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू ई नॉट। एक्सलेंट। और इलेक्ट्रॉन का जो एक्सलेशन है और जो इलेक्ट्रॉन सबमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए इंटेंसिटी के साथ। वेव थ्योरी ये कहती है कि किसी भी वेव की जो एनर्जी है वो उसके इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। तो जब एक सफिशियंट इंटेंसिटी के लाइट हम इंसिडेंट करें तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सलेशन है और फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करना चाहिए, इंटेंसिटी के इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। आइए फ्रिक्वेंसी प्रॉब्लम क्या थी। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुड टेक प्लेस फॉर ऑल फ्रिक्वेंसी प्रोवाइडेड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज सफिशियंट टू सप्लाई नेसेसरी एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन फॉर इट्स एमिशन। अब इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी की क्या प्रॉब्लम रही। वेव थ्योरी ये कहती है कि चाहे जिस फ्रिक्वेंसी की लाइट हो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हमेशा होना चाहिए, बस कंडीशन ये है कि इंसिडेंट जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी इतनी सफिशियंट होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को सफिशियंट एनर्जी दे पाए जिससे वो मेटल के बाहर निकल आए। तो कोई एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, कोई थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी नहीं होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए, ऐसा वेव थ्योरी का मानना है। लेकिन एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि हर एक मेटल के लिए जो उसके नेचर पर डिपेंड करता है एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है, जिससे कम फ्रिक्वेंसी के लाइट अगर हम इंसिडेंट कराएं तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होता है। ओके, तो आइए देखें। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुड टेक प्लेस फॉर ऑल फ्रिक्वेंसी प्रोवाइडेड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज सफिशियंट टू सप्लाई नेसेसरी एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन फॉर इट्स एमिशन। मीन्स वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी चाहे जो हो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना चाहिए, बस उसकी इंटेंसिटी सफिशियंट होना चाहिए। हाउ एवर एक्सपेरिमेंट शोज दैट फॉर एवरी मेटल देयर एग्जिस्ट्स अ फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल बिलो व्हिच नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस हाउ एवर इंटेंस द लाइट में भी। ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जब भी कोई लाइट किसी मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो उसके लिए एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी है, जिससे कम फ्रिक्वेंसी की लाइट अगर इंसिडेंट कराएं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होता है, इंटेंसिटी उसकी चाहे जितनी हो उस लाइट की। ओके, तो ये बात भी वेव थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाती है। एक थर्ड प्रॉब्लम आई थी टाइम वाली प्रॉब्लम। आइए टाइम की प्रॉब्लम क्या थी उसका डिस्कशन करते हैं। अब एक प्रॉब्लम आउट थी जो वेव थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर सकी। आइए देखें कौन सी प्रॉब्लम है। वो है टाइम डिले की प्रॉब्लम। टाइम डिले की क्या प्रॉब्लम है। एज एनर्जी इन किसी भी वेव की जो एनर्जी होती है वो उसके पूरे वेव फ्रंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। किसी भी वेव की एनर्जी उसके पूरे वेव फ्रंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। जब कोई वेव किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो उस मेटल के सभी इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब उन सभी इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में कुछ टाइम लगेगा, तब वो मेटल के बाहर निकलेंगे। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के निकलने में और फोटॉन के इंसिडेंट होने में एक टाइम डिफरेंस होना चाहिए, एक टाइम डिले होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि एक इंस्टेंटेनियस फिनोमिना है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन वहाँ पर इंसिडेंट होते हैं और ठीक वैसे जैसे ही फोटॉन इंसिडेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगते हैं, ठीक ना। तो ये बात वेव थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि टाइम डिफरेंस क्यों नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम रही जिसकी वजह से हमारी वेव थ्योरी जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई ओके, आइए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे कि फोटो सेल क्या है, फोटो सेल के एप्लीकेशंस क्या हैं। ओके।